इम्यूनिटी घट रही है, डिजनरेटिव डिजॉर्डर्स बढ़ रहे हैं, ऐसी ओबेसिटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स बढ़ रहे हैं, ऐसी जगह पे ये फिजियोथेरेपी का रोल जो है बहुत अहम हो जाता है। तो केवल एक्सरसाइज करना नहीं सीखना है बच्चों, आपको इनोवेशन करना है इसमें कि किस तरह की एक्सरसाइजेस की जाए कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इन पे कंट्रोल किया जा सके। बहुत तगड़ा काम है इस जनरेशन के ऊपर, बहुत तगड़ा काम है। हमारी जनरेशन स्ट्रगल की जनरेशन थी। फिजियोथेरेपी तो आप सीखें, फिजियोथेरेपी इसलिए सीखें ताकि आपका दिमाग आगे की चीजों पर चले। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई 2020 की, उसमें बहुत सारी खूबसूरतियां हैं। केवल फिजियोथेरेपी बनाने के लिए आप इस यूनिवर्सिटी में इंडक्ट नहीं किए गए हैं। वी विश कि आप एक अच्छे ओरेटर भी हो, आपकी स्किल्स पूरी डेवलप्ड हो, आपको थोड़ा सोसाइटी का भी नॉलेज हो। तो हुजूर साहब का मतलब गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर दिया और कहा कि जा बेटा बाजार में जरा पूछ के आ कि इसकी कीमत क्या है। वो उनका शिष्य जो है पहले सब्जी वाले के पास पहुंचा, उसने कहा भाई इसकी कीमत गुरु साहब ने दिया है मेरे, इसकी कीमत क्या है। सब्जी वाले ने कहा कि भाई अच्छा चमक रहा है, मुझे इसकी कीमत कुछ नहीं पता है,